पांच नंबर एलन की है, ये आपको इसमें लगानी पड़ेगी, जिसके साथ ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। जैसे आप जानते ही हो, इसकी वीडियो पिछली बार डाली थी हमने KTM जब लिया था, और आगे इसके ऊपर भी काफ़ी वीडियो आएंगी। इसका भी टायर भी चेंज करवाना है और इसकी मॉडिफिकेशन भी काफ़ी करवानी है। अभी हमने लिया है कैस्ट्रोल एक्टिव 20W40 और इसमें से निकला है एक 10 रुपये का कूपन, जिसे स्कैन करने से मिलेंगे आपको 10 रुपये। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल शैली मोटर व्लॉग्स। तो गाइज, आपने देखा था पिछली वीडियो में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा हमें कितना प्राइस पड़ेगा बाइक का, टोटल हमें कितना खर्चा आ गया बाइक के ऊपर और कितना प्राइस पड़ने वाला है। भाई सबसे पहले हम बाइक को खोल लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। पहले खुलेगी सीट, फिर खुलेंगे इसके पैनल टंकी वाले। तू ऐसा कर, प्लग खोल ले इसका। कोई भी बाइक ज़्यादा पुरानी हो, उसे खोलने के लिए सबसे ज़रूरी है, स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उसका पहले रन चेक करेंगे बाइक में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले ये चेक करना है। ये क्या कर दिया, टूट गया, लग टूट दिया। हाँ टूट गया। ये देखो गाइस, ज़्यादा देर खड़ा होने के कारण इसमें रस्ट लग चुकी है पूरे प्लस स्पार्क प्लग में, जिसकी वजह से ये टूट गया है। पर फिर भी चलो टूट गया, अच्छी बात है। मैं आपको इसमें ये भी बता दूंगा कि अगर प्लग आपका इसमें टूट जाता है तो आप कैसे उसको खोल सकते हो बिना किसी किसी शॉप पे जाए या किसी घर पे, खुद खोल सकते हो आप इसको। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है उसका भी, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो इसका इसके अंदर ये जो है इलेक्ट्रोड, हमें ये बाहर निकालनी होगी। इसे बाहर निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बाहर आएगा, प्लग कैसे निकलेगा। ये देखो, इसे बाहर निकाल के आप इसे इजीली रिमूव कर सकते हो। पांच नंबर एलन की दे मुझे वहाँ से। गाइस ये पांच नंबर एलन की है, ये आपको इसमें लगानी पड़ेगी, जिसके साथ ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। ये देखो, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, कितनी आसानी से ये रिमूव हो चुका है। नहीं तो आपको किसी खरादी के पास या किसी शॉप पे जाना पड़ता, किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ता है इसे निकलवाने के लिए। ये देखो कितना आसानी से हमने पांच नंबर एलन की से रिमूव कर दिया इसको, बड़ी आसानी से। ये देखो, ये सारा टूट गया हुआ, सारा खाली हो गया अंदर से। अब प्लग नया लाना पड़ेगा। चल पहले प्लग ले आते हैं और इसका ऑयल ले आते हैं।
गाइस इसमें इस टाइम ऑयल भी पूरा अपने लेवल पे है, इसका मतलब इसका जो इंजन है वो एकदम ठीक है इस टाइम। अगर आप भी कोई सेकंड हैंड बाइक खरीदते हो तो उसमें उसकी गेज लगी होती है, आप भी चेक कर सकते हो इसमें इंजन में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो समझ लो कि बाइक का इंजन डाउन है, ब्रेक डाउन हो चुका है। अगर पूरा होगा तो फिर इसका मतलब वो उसका बाइक का इंजन जो है वो एकदम ठीक है। ड्राई स्मोक थोड़ी बहुत होगी अंदर तो उसका उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बाइक कार्बोरेटर की वजह से भी मारता है कई बार। अभी इसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज कर लेते हैं और देखते हैं ऑयल की कंडीशन क्या थी, क्योंकि बाइक बहुत टाइम से खड़ा था भाई। तो गाइस फाइनली हमारा बाइक स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो, और इसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट आई है 80 रुपीज़ का। इसका जो स्पार्क प्लग है वो लिया था हमने, NGK का ओरिजिनल प्लग है ये, और ये सेकंड हैंड बैटरी थी अपने किसी बाइक में पड़ी हुई थी, वो मैंने निकाल के इसमें डाली, उसमें नई बैटरी डालनी है। मैंने सोचा चल चेक कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1000 या 1000 समथिंग इसकी बैटरी होगी, वो खर्चा आप लगा लो, और दूसरा खर्चा आप इसमें लगा लो कि हमने जो इसमें इंजन ऑयल यूज़ किया है वो 300-350 का इंजन ऑयल होगा। और देख लो आपके सामने ये बाइक हमें इतने की पड़ गई, और अभी ये टायर वगैरह ये इतना खर्चा तो सबका आ ही जाएगा, अब हमें टायर चेंज करवाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट भी मैं वैसे आपको बता दूंगा। पर मैंने जो टायर इसमें लगवाना है वो मैंने लगवाना है KTM ड्यूक का, और KTM ड्यूक में मैंने लगवाना है लो प्रोफाइल टायर, वो भी आपको टायर में दिखा दूंगा। ये गाइस इसका मिक्सचर है ऑयल का, इसको अभी हम सेट करेंगे रनिंग वगैरह इसकी सेट करने के लिए, ऑयल वगैरह सही से जा रहा है या नहीं जा रहा वो उसकी सेटिंग यहाँ से होगी। ये जो आप देख रहे हो मिक्सचर, ये यहाँ से इसका RPM सेट होगा और बाइक की माइलेज भी यहीं से सेट हो जाएगी। अगर कोई मिसिंग वगैरह होगी बाइक में वो भी बंद हो जाएगी बाइक की बिल्कुल। और गाइस आपको एक बात और बता दूँ, किसी ने इस बाइक में पहले जो प्लग यूज़ किया स्पार्क प्लग वो यूज़ किया था छोटी चूड़ी वाला, इसमें लंबी चूड़ी वाला डलता है प्लग, अभी मैंने लंबी चूड़ी वाला डाला, इसमें देखो अभी कितना फ़र्क आ रहा है। पक्का बाइक की पहले ये जो ड्राई स्मोक बाइक कर रही थी वो इसी के कारण कर रही थी, और बाइक जो है माइलेज भी पक्का इसकी कम होगी। जहाँ पे बाइक का RPM आके स्टेबल हो जाएगा वहीं पे आप इसको रोक देना, इसका ये नहीं है कि कितनी चूड़ी आपने खोलनी कितनी नहीं, जहाँ पे इसका RPM स्टेबल हो जाएगा वहाँ पे आप इसको रोक दोगे मिक्सचर को। अब इसकी छोटी सी राइड लेके देखेंगे बाइक की चलने में ही कैसा है। मैंने कितने में परचेज किया बाइक को वो मैं रिवील करने वाला हूँ। मैंने बाइक परचेज किया था 10,000 में, और मैंने ये देखा भी नहीं था बाइक पहले, बस इसकी पिक्स वगैरह मैंने उन्होंने मेरे को सेंड की थी वो मैंने देखी सिर्फ इसकी, और बाइक मैंने परचेज़ कर लिया था। और इस पर अभी मेरा टोटल लगा लो कि 3,500 और खर्चा आएगा, ये सब कुछ इंक्लूड है अभी इसमें, बैटरी वगैरह जो अभी तक मैंने इस पर जो इन्वेस्ट किया है वो, और प्लस इसका टायर लगा के, ये सब कुछ इंक्लूड है इतने में मेरा सब, मतलब लगा लो कि 13,500 में मेरे को 14,000 में बाइक कंप्लीट पड़ जाएगी। और अगर आपको मोटो व्लॉगिंग के लिए इतने में बाइक कोई मिल रही है तो ये बुरी डील नहीं है। तो अगर आप भी मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप FZ को लेने जा सकते हैं, क्योंकि इतने 150 cc सेगमेंट में आपको इससे अच्छी मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स बाइक कोई मिलेगी नहीं।
और अगर आप भी मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप ये बाइक को यूज कर सकते हो अपनी मोटो ब्लॉगिंग में। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।